हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू एलके एकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम। और आप जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए या अपकमिंग सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छी तरह से अपने एंड से प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसी के साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे, और मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे, विच ऑल्सो इंक्लूड्स दी लास्ट वीक करंट अफेयर्स ऑफ फेब्रुअरी मंथ। तो आज का जो हमारा पहला मिशन है वो जुड़ा हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आपको ये पूछा जा सकता है, विच इज़ UAE's होप मार्स मिशन। देखिए, फेब्रुअरी का जो महीना है उसमें दो इम्पॉर्टेंट मार्स मिशन लॉन्च किए गए, ओके। वो लॉन्च किए गए थे जुलाई 2020 में, वो अभी जाकर सक्सेसफुली मार्स पर लैंड हुए हैं। एक मिशन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज़ UAE's होप मार्स मिशन। तो उस UAE के मार्स मिशन का नाम है होप। दूसरा जो मिशन है वो है नासा का मार्स मिशन, जिसके तहत परसीवरेंस नाम के रोवर को मार्स में भेजा गया है, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एडवांस्ड काइंड ऑफ मार्स मिशन, जो कि सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पर लाएगा अगले साल तक। चलिए पहले बात करते हैं मार्स मिशन होप के बारे में। सो रिसेंटली द यूनाइटेड अरब अमीरात फर्स्ट एवर इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन है सक्सेसफुली एंटर्ड ऑर्बिट अराउंड मार्स। तो देखिए, ये किसी गल्फ कंट्री का पहला मार्स मिशन है, और वो पहला गल्फ कंट्री कौन बना है? यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। क्या है इस ये मिशन, क्यों लॉन्च किया गया? सो द UAE's मार्स मिशन कॉल्ड होप वॉज अनाउंस्ड इन 2015 with the aim of creating mankind's first integrated model of the red planet's atmosphere. तो देखिए, रेड प्लेनेट का मतलब क्या है मार्स? अब मार्स को क्यों रेड प्लेनेट कहा जाता है ये भी हम आगे देखेंगे। होप वॉज डेवलप्ड बाई UAE साइंटिस्ट इन द USA एंड वॉज लॉन्च्ड इन जुलाई 2020 फ्रॉम द तानेगाशिमा स्पेस सेंटर इन जापान। तो देखिए, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? जापान से लॉन्च किया गया है, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर। स्पेसिफिकेशन क्या है इसके? सो द मार्स होप प्रोब वेट्स जस्ट 1.5 टन्स, अबाउट द सेम साइज एज एन SUV। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट एवरी 55 आवर्स। तो हर 55 घंटे में वो मार्स की ऑर्बिट में अपना एक चक्कर पूरा करेगा, और उसके इमेजेस जो है वो भेजता रहेगा, और जो सारी एटमोसफियर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अर्थ पर भेजता रहेगा। द ओवरऑल लाइफ ऑफ UAE's मार्स मिशन इज़ अराउंड 1 Martian year, विच इज़ अबाउट 687 डेज ऑन अर्थ। ओके, तो ये एक साल के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, विच इज़ अराउंड 687 डेज ऑन अर्थ, जो कि अर्थ ईयर के 2 साल के बराबर होंगे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और बेनिफिट्स क्या है इसके? सो एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर, अ हाई रिजोल्यूशन कैमरा उसमें लगा हुआ है, EMUS लगा हुआ है, EMUS, अ फार UV इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि अच्छी तस्वीरें खींच सकेगा, एमिरेट्स मार्स अल्ट्रावायोलेट स्पेक्ट्रोमीटर, Emirates Mars Infrared Spectrometer. It will examine temperature profiles, ice, water vapor and dust in the atmosphere of Mars. UAE's mission will collect data on Martian climate dynamics and help scientists understand why Mars atmosphere is decaying into space. तो जो भी atmosphere से related सारी information होगी उसको analyze किया जाएगा, और वो सारा data इकट्ठा किया जाएगा। The instruments will collect different data points on the atmosphere to also gauge seasonal and daily changes. तो Mars पे किस तरीके से seasonal changes होते हैं आने वाले एक Martian year में, वो भी उसको भी कैप्चर किया जाएगा। टुगेदर दिस विल शेड लाइट ऑन हाउ एनर्जी एंड पार्टिकल्स लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मूव थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। तो देखिए, ये कम्प्लीटली अलग चीज़ एनालाइज करेगा, और जो परसिवरेंस मिशन भेजा गया है वो एनालाइज करेगा अबाउट द जियोलॉजी ऑफ द मार्स, जो उसकी ज़मीन है वो किस तरीके से बनी हुई है, कौन से मिनरल्स उसमें है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज की जाएगी। ऑल्सो पास्ट लाइफ वहाँ पे पॉसिबल थी या नहीं थी उसके बारे में भी यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा।
सिग्निफिकेंस क्या है? सो विद द सक्सेसफुल मार्स ऑर्बिट इंसर्शन द यूएई बिकम्स द फिफ्थ एंटिटी टू रीच द रेड प्लेनेट जॉइनिंग नासा द सोवियत यूनियन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इंडिया. सक्सेस ऑफ दिस मिशन विल हेल्प यूएई इन बिल्डिंग अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी लीडिंग टू मोर इन्वेस्टमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ऑफ फॉर यंग एमिरेट्स. The probe reached Mars in the year the UAE celebrates its 50th anniversary. तो जब UAE अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है तब जाके इस मार्स मिशन को वहाँ पे भेजा गया है और ये पांचवा कंट्री बन गया है जो सक्सेसफुली मार्स तक पहुँच गया है. नासा ऑलरेडी पहुँच चुका था 2019 में. इनसाइट नाम का मार्स मिशन नासा ने लॉन्च किया था. उसके बाद द नेक्स्ट इज मार्स मिशन विथ द रोवर परसिवरेंस जो 2020 में लॉन्च किया गया था. सोवियत यूनियन का मार्स 3 मिशन ऑलरेडी पहुंच चुका है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है. और स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मंगलयान जो 2013 में लॉन्च किया गया था इन 2013, जिसको आप मंगलयान के नाम से जानते हो या तो मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हो, जो कि मार्स की ऑर्बिट तक सक्सेसफुली इंसर्शन उसको किया गया था. होप मिशन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर यूएई बट ऑल्सो फॉर द होल of Arab world as it is the Arab world's first interplanetary mission. तो UAE ऐसा पहला कंट्री बना है गल्फ रीजन का जिसने मार्स तक अपना मिशन भेजा हो, ना सिर्फ मार्स तक, पहला interplanetary mission किसी गल्फ कंट्री ने लॉन्च किया है. और कौन से मिशन थे? तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम द UAE's होप प्रोब, टू मोर अनमैंड स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम द USA एंड चाइना आर सेट टू अराइव एट मार्स ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज. तो अगर चाइना सक्सेसफुली पहुंच जाता है तो चाइना विल बिकम द सिक्स्थ नेशन, राइट, फिफ्थ नेशन एंड प्लस यूरोपियन एजेंसी. तो चाइना का जो मार्स मिशन का नाम है दैट इज टियानवेन 1. All three missions were launched in July to take advantage of the close alignment of Earth and Mars. A combination orbiter and lander from China is scheduled to reach Mars, which will circle Mars until the rover separates and attempts to land in order to look for signs of ancient life. तो इसका चाइना के मार्स मिशन का और यूएसए के मार्स मिशन का जो पर्पस है दैट इज ऑलमोस्ट सेम. A rover from the USA named Perseverance is also set to reach Mars soon, जो कि ऑलरेडी लैंड कर गया है on 28th of February. It will be the first leg in a decade-long US-European project to bring Mars rocks back to Earth to be examined for evidence the planet once harbored microscopic life. तो ancient life थी या नहीं थी उसकी analysis के लिए ये Perseverance जो रोवर है वो मार्स पे भेजा गया है बाय नासा. क्या है मार्स एक्सप्लोरेशन के बारे में और सिर्फ क्यों ही मार्स को ही, मार्स पे ही हम लोग मिशन भेज रहे हैं, वाई नॉट वीनस और वाई नॉट जुपिटर? ओके, सो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड आर प्रेटी मच क्यूरियस अबाउट मार्स बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट द प्लैनेट वॉज वंस वार्म इनफ टू अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू इट, विच मीन्स लाइफ कुड हैव एग्जिस्टेड देयर. Despite being starkly different in many ways, the red planet has several Earth-like features such as cloud, polar ice caps, volcanoes and seasonal weather patterns. ठीक है, हो सकता है कि बाकी सारी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर अलग है, but there are multiple other things जो कि Earth-like condition हमें वहाँ पर मिली है. However, no human has set foot on Mars yet because the atmosphere on Mars is very thin, consisting of mostly carbon dioxide with no breathable oxygen, making it difficult for astronauts to survive there. तो हम मून तक तो पहुँच गए हैं, स्पेस तक हम पहुँच गए हैं, बट अभी तक मार्स पर किसी ने भी लैंडिंग नहीं किया है किसी भी एस्ट्रोनॉट ने. वाई? बिकॉज वहाँ का जो एटमोसफियर है दैट इज़ वेरी थिन एंड मेनली कंजिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और हमें क्या चाहिए ब्रीदिंग के लिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि किसी लंबे समय तक किसी अदर प्लेनेट पे हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके. अगर एक बार हम ऑक्सीजन इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हो सकता है कि वहाँ रहकर हम वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो ज़मीन है, रॉक्स है, उसको हम अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मार्स मिशन. और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दैट वाई मार्स.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी सारी अर्थ लाइक कंडीशन को कैरी करता है, एंड दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन मार्स. मर्क्यूरी एंड वीनस पे हम नहीं जा सकते बिकॉज दे आर टू क्लोज टू सन, और उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है. कोई ह्यूमन उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड दैट्स वाई हम मर्क्यूरी या वीनस पे नहीं जा सकते. मार्स के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं, ओके, मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, फिफ्थ प्लैनेट इज़ जुपिटर. तो जुपिटर के बाद के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे गैसियस प्लैनेट हैं, वो गैस से बने हुए हैं, एंड दैट्स वाई दे आर ऑफ नो यूज़. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ अर्कशुभा, न्यू मैरी गोल्ड वेराइटी. तो एक नई मैरी गोल्ड जिसको हम गेंदे का फूल बोलते हैं, तो उसकी एक नई वेराइटी खोजी गई है जिसको नाम दिया गया है अर्कशुभा. सो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हैज़ डेवलप्ड अ न्यू मैरी गोल्ड वेराइटी नेम्ड अर्कशुभा. क्या है ये? सो हाई कैरोटीन कंटेंट है इसमें. सो अर्कशुभा हैज़ कैरोटीन कंटेंट ऑफ अराउंड 2.8%. फॉर ऑल मैरी गोल्ड इट्स मैक्सिमम अप टू 1.4%. तो देखिए सारे जो मैरी गोल्ड की जो जितनी भी स्पीशीज अब तक हमारे पास है, ऑलमोस्ट दिस इज द डबल द कैरोटीन कंटेंट विच इज़ द हाइएस्ट अमोंग ऑल प्लांट सोर्सेस यूज्ड आफ्टर स्पॉइल्ड. सो दिस न्यू वेराइटी ऑफ मैरी गोल्ड कैन बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड कैरोटीन इवन इफ स्पॉइल्ड आफ्टर फुल ब्लूम अनलाइक दैट ऑफ अदर वेराइटीज. तो बाकी के जो गेंदे के फूल है उसको आप एक बार वो मुरझा जाएंगे उसके बाद वो कोई यूज़ के नहीं है, बट इसको हम क्रूड कैरोटीन के लिए यूज़ कर पाएंगे. सिग्निफिकेंस क्या है? सो ऑर्नामेंटल एंड कैरोटीन एक्सट्रैक्शन. सो दिस न्यू वेराइटी नॉट ओनली हैज़ ऑर्नामेंटल पर्पज बट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ क्रूड कैरोटीन. पोल्ट्री फीड, इट्स पेटल्स कुड बी यूज एज पोल्ट्री फीड टू गेट क्वालिटी योक. तो क्वालिटी योक को गैदर करने के लिए भी पोल्ट्री फीड के सेक्टर में भी ये काम आ सकता है. रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. सो इंडिया इम्पोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स कैरोटीन फ्रॉम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना. और क्योंकि हमने आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया है, ये जो नया मैरी गोल्ड का क्वालिटी है वो हमें काम आ सकता है, वो हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर से कम कर सकता है. सो दिस डेवलपमेंट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. देयरफॉर बोथ कल्टीवेशन एरिया एंड इन्वेस्टमेंट ऑन कैरोटीन एक्सट्रैक्शन शुड बी इंक्रीज्ड. ओके, सो एक छोटा सा टॉपिक था. आपको ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपको पूछा जा सकता है, या एनवायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई चीज़ सवाल पूछा जा सकता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड दैट इट वुड रीजॉइन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल दैट इट लेफ्ट इन 2018. तो देखिए 2018 में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स की वजह से, और उस टाइम के जो देन US प्राइम प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि US विल बी नो लॉन्गर मेम्बर ऑफ UNHRC. और उसके बाद में एक एक करके US काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उससे वो निकलता चला गया. चाहे वो WHO हो, WTO से निकलने की वो धमकी दे चुका था, पेरिस एग्रीमेंट से USA निकल चुका था. तो जब अब वहाँ पर जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बनकर आए हैं 2020 में, नवंबर 2020 में जो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद अगेन USA हैज़ जॉइंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, ऑल दीज ट्रिटीज और ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस. सो रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड दैट इट वुड रीजॉइन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल दैट इट लेफ्ट इन 2018. The USA will return to the council as an observer with the aim of seeking election as a full member. तो देखिए अब एक बार जब निकल गया है तो अगेन USA को वो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा जो कि सेट प्रोसेस है. तो पहले वो ऑब्जर्वर के तौर पर रहेगा, उसके बाद इलेक्शन के थ्रू वो फुल मेंबर बन सकता है. The Human Rights Council is an intergovernmental body within the United Nations system responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the world. ठीक है, तो जो भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ इसमें, ऑलमोस्ट यूनाइटेड नेशंस के सारे कंट्रीज़ इसके भी मेंबर्स हैं, और ये सारे कंट्रीज़ ने UNHRC के जो भी
चार्टर्स है उसके ऊपर साइन की हुई है, उसको अपना अग्रीमेंट दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कंट्रीज़ जब अपने देश में कोई पॉलिसी बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन ना हो रहा हो। ओके, फॉर्मेशन कैसे हुआ था? सो द काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाई द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज UNGA इन 2006। तो देखिए ये काफ़ी बहुत नई एजेंसी नहीं है, 2006 में ही इसको बनाया गया था। इट रिप्लेस्ड द फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इसको जो इसकी फॉर्मर जो एजेंसी थी वो क्या थी? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR सर्व्स एज द सेक्रेटरिएट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एंड उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ मेड अप ऑफ 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स विच आर इलेक्टेड बाई द UN जनरल असेंबली UNGA। तो एज ऑफ नाउ उसके कितने मेंबर्स हैं? 47 मेंबर्स आर देर। द UNGA टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट्स स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज देयर वॉलेंटरी प्लेजेस एंड कमिटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। द काउंसिल्स मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। तो अफ्रीकन सीट्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए UNHRC में 13 सीट्स रखी गई है। एशिया पैसिफिक स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अनदर 13 सीट्स, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 सीट्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स के लिए 7 सीट्स एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए 6 सीट्स। तो ये टोटल जो है आपकी 47 सीट्स आर देयर। Members of the council serve for a period of 3 years and are not eligible for immediate re-election after serving 2 consecutive terms. तो अगर किसी member ने 2 consecutive term को serve किया है, वो अगर 6 साल तक continuous UNHRC में serve कर रहा है, तो उसको तीसरी term नहीं दी जाएगी, उसको 3 साल wait करना होगा, उसके बाद वो re-elect होकर आ सकता है। तो ये आपको जो प्रेजेंटेशन है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, उसको याद रखना है। प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म क्या है, हाउ UNHRC वर्क्स? सो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। सो UPR सर्व्स टू असेस द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स। एडवाइजरी कमिटी बनाई गई है जो कि क्या करेगी, इट सर्व्स एज द काउंसिल्स थिंक टैंक providing it with expertise and advice on thematic human rights issues. तो वो बताएगी कि किस तरीके से ट्रीटी होनी चाहिए, ट्रीटी में क्या क्या डाला जाना चाहिए, बदलते वक्त के साथ विद ग्रोइंग टाइम क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के अंदर। कंप्लेंट प्रोसीजर, सो इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू ब्रिंग ह्यूमन राइट्स वायोलेशन टू द अटेंशन ऑफ द काउंसिल। लेट्स से अगर पाकिस्तान को लगता है कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान UNHRC में जाके अपनी बात रख सकता है। अगर इंडिया को लगता है कि चाइना में उइगर मुस्लिम के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं, तो इंडिया कैन रेज द वॉइस एंड लाइकवाइज। UN स्पेशल प्रोसीजर्स क्या है, सो दीज आर मेड अप ऑफ स्पेशल रैप्चर्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एंड वर्किंग ग्रुप्स दैट मॉनिटर, एग्जामिन, एडवाइज एंड पब्लिकली रिपोर्ट ऑन थीमेटिक इश्यूज और ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन स्पेसिफिक कंट्रीज। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे या क्रिटिसिज्म ये है, जो काफी जो ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये करते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में उन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस है जो कंट्री खुद अपने यहाँ पर सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रहे हैं, राइट? जैसे चाइना है, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चाइना में उइगर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके लिए देर इज नो रिलीजियस फ्रीडम, और चाइना का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। सो अ की कंसर्न फॉर सम क्रिटिक्स हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल मेंबरशिप
which sometimes includes countries widely perceived as human rights abusers. China, Cuba, Eritrea, Russia and Venezuela, all of which have been accused of human rights abuses. अब धीरे धीरे इसमें इंडिया का भी नाम जुड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ये प्रमोट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ह्यूमन राइट्स वायोलेशन से गुजरना पड़ता है. डिसप्रोपोर्शनेट फोकस. सो यूएसए पुल्ड आउट ऑफ द एजेंसी इन 2018 ड्यू टू इट्स disproportionate focus on Israel, which has received by far the largest number of critical council resolutions against any country. तो एक कंट्री का अगर पर्सनल दुश्मनी किसके साथ है किसी और कंट्री के साथ तो वो भी यहाँ पर निकाला जाता है, which is not the correct way to work. उसके लिए UNHRC नहीं बनाया गया था. So recently a group of special reporters to the United Nations has returned to the Indian government expressing concerns over the draft Environment Impact Assessment Notification 2020. In 2020, India's National Human Rights Commission submitted its midterm report to the Council as a part of the third round of the Universal Periodic Review process. India was elected to the Council for a period of 3 years beginning 1st January 2019. So, ye jo period hai, from 2019 to 2022, India is also a part of UNHRC aur isi liye India sabse zyada criticism attract karta hai. Okay, what is the expectation? Ki jab aap UNHRC ke member ho, at that time you should not do any human rights violation. That is the by default expectation from any country. But kyunki after 2019 India ne Jammu Kashmir ka bill lekar aa gaye, CA protest hue, now farmer protests are going on. So India ke human rights ka jo area hai uske upar kafi zyada international level pe sawal uthaye ja rahe hain. Next jo hamara topic hai, that is India China hotline. अब देखिए क्या है ये हॉटलाइन. तो आपको अगर पता होगा तो जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क्स नहीं मिलेंगे या इतने अच्छे मोबाइल नेटवर्क्स नहीं मिलेंगे कि आप इजीली कम्युनिकेशन कर पाओ. व्हाई सो? बिकॉज टू प्रिवेंट द सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, अगर कोई टेररिस्ट या अनऑथोराइज्ड पर्सन बॉर्डर के थ्रू अगर इंडिया में घुसना चाहे तो वो आफ्टर एंटरिंग इंडिया वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली दूसरे कंट्री में कन्वे ना कर सके, ना मैसेजेस के थ्रू, ना कॉल्स के थ्रू, ना इमेजेस के थ्रू. दैट्स व्हाई बॉर्डर एरियाज में मोबाइल नेटवर्क्स आर नॉट अवेलेबल. सो रिसेंटली इंडिया एंड चाइना अनाउंस्ड दैट बोथ हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश अ हॉटलाइन. और अब क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बढ़ते जा रहे हैं और दोनों कंट्रीज नहीं चाहते कि छोटे छोटे बॉर्डर डिस्प्यूट जो हो रहे हैं उसका असर उनके बायलेटरल रिलेशन पर पड़े, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन पर पड़े. एंड दैट्स व्हाई बोथ द कंट्रीज हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश अ हॉटलाइन. नाउ व्हाट इज हॉटलाइन? सो हॉटलाइन एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू दोनों सेनाओं के, दोनों आर्मीज के जो लोग हैं, चाइनीज आर्मी एंड इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, वो बॉर्डर के थ्रू क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन कर पाएंगे इजीली. सो एवरी टाइम जो रिजोल्यूशन है वो पॉलिटिकल वे में नहीं आएगा और हो सकता है कि कभी आर्मी पेट्रोलिंग करते करते अपने साइड आ गई या अपनी आर्मी पेट्रोलिंग करते करते अगर उनके साइड चली गई तो ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को दोनों देश के आर्मी के जो ऑथोराइज्ड पर्सोनल है वो बैठ कर हॉटलाइन के थ्रू, इट्स अ वन काइंड ऑफ अ लैंडलाइन काइंड ऑफ अ सर्विस, ठीक है, तो ऐसे मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस के थ्रू उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी. सो दैट इज नोन एज हॉटलाइन. द डिसीजन टू इंस्टॉल अ हॉटलाइन बिटवीन द टू कंट्रीज वॉज टेकन ओवर अ टेलीफोनिक मीटिंग बिटवीन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड चाइनाज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर. हॉटलाइन इज अ डायरेक्ट टेलीफोन लाइन इन कॉन्स्टेंट ऑपरेशनल रेडीनेस सो एज टू फैसिलिटेट इमीडिएट कम्युनिकेशन. ठीक है, मुझे नंबर डायल करना है और सीधा मैं चाइनीज क्रॉस बॉर्डर में कम्युनिकेशन कर पाऊँगा. द हॉटलाइन विल बी हेल्पफुल इन टाइमली कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ बिटवीन द टू
कंट्रीज। इंडिया का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? सो रीइटरेटेड दी इन थ्री म्यूचुअल। सो इंडिया का स्टैंड ये है कि भाई हमें तो शांति बनाए रखनी है अंडर द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडर द म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि दोनों की रजामंदी यहाँ पर होनी चाहिए, चाइनीज अग्रीमेंट ऑल्सो एंड इंडियन अग्रीमेंट ऑल्सो। सब चीज़ अगर इंडिया ही समझेगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन अवर बायलेटरल रिलेशन। सो डिसएंगेजमेंट फॉलोड बाय डीएस्केलेशन विल लीड टू पीस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इवेंचुअली नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज। ओके, चाइना का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? सो द बाउंड्री सिचुएशन शुड नॉट बी प्लेस्ड एट द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द रिलेशनशिप बट इंस्टेड एट अ प्रॉपर प्लेस इन ओवरऑल टाइज। द indication was two sides should return to business as usual while the issue is dealt with। तो पिछले 2018 से जब से डोकलाम इश्यू स्टार्ट हुआ था तब से काफ़ी असर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका हमारे बायलेटरल रिलेशन पे हो रहा था और उसको रिजॉल्व करने के लिए हॉटलाइन बनाई गई है। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है? सो मई 2020 में हमने डिस्प्यूट देखा कि चाइनीज़ और इंडियन फोर्सेज क्लैश्ड इन नाथुला पास सिक्किम। आफ्टर सिक्किम का इशू रिजॉल्व हुआ सो टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज रोज इन लद्दाख। जो गालवान वैली का जो इशू रोज हुआ तो वो हमें देखने को मिला इन जून 2020 विथ अ मल्टी प्लेस मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स। जून 2020 में इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज वर एंगेज्ड इन द स्टैंड ऑफ इन पेंगोंगसो लेक, गलवान वैली, डेमचोक एंड दौलत बेग ओल्डी इन ईस्टर्न लद्दाख विच बिकेम द हार्ट ऑफ द रिसेंट LAC टेंशंस। जून 2020 में इसके रिटेलिएट करते हुए इंडिया ने क्या किया? इंडिया बैंड 59 एप्लीकेशंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना। हमने देखा कि टिकटॉक जैसी जो काफ़ी पॉपुलर चाइनीज एप्लीकेशन थी इंडिया में उसको सडनली रातों रात उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अगेन इंडिया ब्लॉक्ड 43 मोबाइल एप्स फ्रॉम चाइना इन नवंबर 2020। द बैन हैज़ बीन एनफोर्स्ड अंडर द सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फेब्रुअरी 2021 में इंडिया एंड चाइना डिसाइडेड टू फाइनली रीच एन अग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट एट पेंगोंग लेक। उसके बाद भी न्यूज़ आया, फेब्रुअरी में अग्रीमेंट पे पहुंचने के बाद भी हमने सैटेलाइट इमेज से हमें ये न्यूज़ मिले जो हमने पिछले लेक्चर्स में शेयर किए थे आपके साथ कि अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज़ आर्मी ने 4-5 किलोमीटर अंदर एक पूरा गाँव बसा लिया है। राइट, तो चाइना इज़ अ कंट्री के जिसके ऊपर आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, उसकी नीति ही विस्तारवाद वाली नीति है। तो उसकी वजह से चाइना क्या करेगा? थोड़ा 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 अंदर आकर एट द एंड आपको बोल देगा कि भाई ये तो हमारी ज़मीन है। ओके, और इसको इनफॉर्मली रिजॉल्व करने के लिए 2018 में जब डोकलाम जो इश्यू था वो काफ़ी एस्केलेट हो गया था ऑन द पॉलिटिकल लेवल एज वेल, तो तब जाकर दोनों हेड ऑफ़ द स्टेट्स ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इनफॉर्मली मिलेंगे एवरी ईयर और जो हमारे छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। नो सूट बूट, नो अथॉरिटीज, नो डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से हमें मिलना है। और ऐसी पहली इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट हुई थी वुहान चाइना में 2018 में। 2019 में चाइनीज़ जो हेड ऑफ़ द स्टेट है शी जिनपिंग द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वो आए थे और नरेंद्र मोदी से मिले थे महाबलीपुरम तमिलनाडु इंडिया में। बट 2020 में ये समिट कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाई। सो नाउ वी हैव टू सी दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस इनफॉर्मल समिट, क्योंकि आफ्टर कोरोना पीरियड चाइना का जो पर्सपेक्टिव है, चाइना के टुवर्ड्स जो पर्सपेक्टिव है पूरी दुनिया का, वो ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुका है और कोई कंट्री चाइना के साथ डील करना नहीं चाहता है। ओके, सो हमें देखना है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। सो इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द टू साइड्स टू चेरिश द हार्ड वॉन रिलैक्सेशन एंड वर्क टुगेदर टू कंसोलिडेट द प्रोग्रेस, कीप अप द कंसल्टेशन मोमेंटम, फर्दर इज द सिचुएशन एंड इम्प्रूव द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मैकेनिज्म्स। एज टू बिग इमर्जिंग इकोनॉमीज चाइना एंड इंडिया नीड टू परस्यू डेवलपमेंट अलॉन्ग साइड ईच अदर, मूव फॉरवर्ड इन पार्टनरशिप इंस्टेड ऑफ हिंडरेंस एंड वर्क टूगेदर फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस रादर देन इरेक्टिंग वॉल्स अगेंस्ट ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ लड़ने से अच्छा है कि जब हमें पता ही है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। चाइना के लिए हम सबसे बड़ा मार्केट है, हमारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। हमने रिसेंट जो अभी मार्च के फर्स्ट वीक में जो न्यूज़ आए उसके हिसाब से सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना बन चुका है।
तो जब ऐसी ज़रूरत है तो हमें इतने छोटे छोटे बॉर्डर डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहिए। इंडिया एंड चाइना ऑल्सो नीड्स टू एडवांस The boundary talks to build up mutual trust and realize peace and tranquility in border areas. तो आगे वाले समय में हमें देखना है कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो कैसे रहते हैं, क्योंकि इंडिया ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द ट्रीटी और फॉलो द अग्रीमेंट, बट सामने वाला कंट्री जब चाइना है तो चाइना से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती कि वो उसको जो अग्रीमेंट हुआ है उसको फॉलो करेगा ही। एंड That's why China और India के relation जो है वो बड़े complicate होते जा रहे हैं। Next, again international relations का एक topic है और international organization का एक topic है, दोनों को merge करके हमको ये topic देखना है, जो कि है कि FATF retains Pakistan in grey list। तो FATF एक watchdog या एक monitoring की agency है जिसने पाकिस्तान को grey list में रखा है। Now what is FATF, क्या काम करती है, कब उसको एस्टैब्लिश किया गया था, क्या उसका रिलेवेंस है, क्यों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले तो हमें नाम जानना है कि FATF का पूरा नाम क्या है। सो दैट इज़ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओके। और ये एक प्रकार की वॉच डॉग है जिसको 1989 में G7 के मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था पेरिस में, और उसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ ऑल्सो इन पेरिस। सो FATF रिटेन्स पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट। द फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज़ डिसाइडेड टू रिटेन पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट टिल द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन इट्स रिकमेंडेशंस ड्यूरिंग द जून प्लेनरी सेशन। तो देखिए FATF साल में तीन बार मीटिंग्स करता है, पहला है फेब्रुअरी, देन अगेन चार महीने बाद जून, और अगेन चार महीने बाद अक्टूबर में। तो अभी जो फेब्रुअरी में जो मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान को ये बोला गया है, अगेन एक वार्निंग दी गई है कि भाई आपका जो नेक्स्ट स्टेटस रिव्यू है वो जून में किया जाएगा। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड समझने से पहले हमें समझना है कि FATF क्या है, FATF का बैकग्राउंड क्या है। सो FATF में एज ऑफ नाउ आज के दिन में 39 मेंबर है, 39 members are there, out of which 37 are countries and two other organizations, two intergovernmental organizations वहाँ पे है। एक जो organization है that is European Commission, दूसरा जो organization है that is Gulf Cooperation Council that is GCC, और India is also a party to FATF। मतलब जो 37 countries है, जो 39 members है उसमें India is also a party। अब FATF को बनाया गया था 1989 में बाई दी G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज़ के नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस बट स्टिल फॉर योर रिविजन, USA, UK, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। तो ये G7 के जो कंट्रीज़ है, ग्रुप ऑफ सेवन के जो कंट्रीज़ है, उन्होंने मिलकर FATF को बनाया एज अ वॉच डॉग फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर वॉच डॉग मॉनिटरिंग करने के लिए इस एजेंसी को बनाया गया था। पीछे उसमें टेरर फंडिंग को भी जोड़ दिया गया। तो FATF का काम उन कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखना है जिनके ऊपर शक हो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग या तो टेरर फंडिंग के साथ जुड़े हुए हो। अब जब 2016 में उरी अटैक हुआ तो उसके बाद इंडिया ने एकदम अग्रेसिव होकर सारे इंटरनेशनल फ्रंट्स पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, और क्योंकि FATF में इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से FATF की प्लेनरी सेशन में बाकी कंट्रीज़ को, बाकी मेंबर्स को ये कन्विंस करवाया गया कि उरी अटैक के पीछे पाकिस्तान के जो सिटीजन से उनका हाथ है, और इसीलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको बैक कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना चाहिए एज अ वार्निंग। तो 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया। 2019 तक पाकिस्तान को एक 27 पॉइंट्स का एक्शन प्लान दिया गया। उस एक्शन प्लान में क्या बताया गया कि आपको इतने इतने स्टेप्स के ऊपर काम करना है ताकि हमें पता चले कि आप टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम कर रहे हो। ऐसी पॉलिसीज बनाइए जिससे हम कन्विंस हो जाए, FATF शुड बी कन्विंस्ड दैट पाकिस्तान इज़ नाउ नो लॉन्गर इंडल्ज्ड और एंगेज्ड इन दिस काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ और टेरर फंडिंग की एक्टिविटीज़ में वो एंगेज नहीं है।
2019 तक पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया, हर 4 महीने वो रिव्यू होता गया और उसको FATF रिटेन करता गया ग्रे लिस्ट में। 2020 का पूरा साल कोरोना में चला गया। 2021 में फिर फेब्रुअरी में जब ये वापस रिव्यू हुआ तो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो एक्शन प्लान के पॉइंट्स थे उसके ऊपर काम कर लिया था, बट 6 ऐसे पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट्स जिसके ऊपर अभी भी पाकिस्तान को काम करना बाकी है और उसी के लिए 4 महीने पाकिस्तान को और दिए गए हैं टिल दी जून प्लेनरी सेशन। ओके, तो ये वार्निंग पाकिस्तान को बार 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 दी जा रही है। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग के ऊपर काम नहीं करता है, उसको कम नहीं करता है, तो ऐसे कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा बाय FATF। अब ब्लैक लिस्ट में डालने का क्या मतलब है, व्हाई अ कंट्री शुड नॉट बी इन अ ब्लैक लिस्ट, और ब्लैक लिस्ट में अगर कोई कंट्री है तो उसको क्या डिसएडवांटेजेस है, ये मैं आपको बताऊंगा। सो ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब ये है कि आपको किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी से, चाहे वो UN हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई अदर मेंबर कंट्री हो, उसके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, ना ही फंडिंग मिलेगा, ना ही ग्रांट मिलेगी, कुछ भी, ना ही लोन मिलेगा, आपको कुछ भी फंड नहीं मिलेगा। और जब किसी कंट्री को ऐसे फंड्स नहीं मिलेंगे तो वो कंट्री के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और यही FATF चाहता है कि जब इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के प्रैक्टिसेस में नहीं रह पाएगा। एज ऑफ नाउ देर आर ओनली 2 कंट्रीज विच आर इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ द FATF, दैट इज नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। इंडिया इज़ पुशिंग हार्ड कि पाकिस्तान को भी ब्लैक लिस्ट में ले जाया जाए, ऐड कर दिया जाए, बट एज ऑफ नाउ देर आर वेरी लिटिल चांसेस कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स के ऊपर काम कर लिया है। सो FATF हैज़ acknowledged पाकिस्तान सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन combating टेररिज्म, however इट विल स्टिल टू फुल्ली कंप्लाई विथ 3 ऑफ दिस 27-point एक्शन प्लान। The 3 points pertain to effective steps in term of financial sanctions and penalties against the terror funding infrastructure and the entities involved. तो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा, तो इनके ऊपर अभी भी स्टेप्स लेना बाकी है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसीलिए उनको और थोड़ा टाइम दिया गया है। आफ्टर असेसिंग द मेजर्स टेकन ड्यूरिंग द June 2021 सेशन, FATF वुड वेरीफाई द इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स undertaken by Pakistan to review its inclusion or exclusion on the grey list. उसको grey list में रखना है या grey list से निकाल देना है या grey list से blacklist में move करना है, ये जो decision है वो June 2021 में लिया जाएगा। I hope you have understood the topic. Significance क्या है इसका? So in Pakistan's case, the FATF has taken cognizance of the inaction against several banned organizations involved in raising funds for terror activities and those linked to global terrorists like Jaish-e-Mohammed, Chief Masood Azhar and Lashkar-e-Toyba's Hafiz Saeed and its operations chief Zakir-ul-Rehman Lakhvi। अब ये तीनों जो नाम है वो UN ने most wanted इनको recognize किया है। On several occasions, India has also raised the involvement of elements within Pakistan in a number of terror cases, including the 2011 Mumbai and Pulwama attacks. Perpetual containment of Pakistan on the grey list of FATF would further pressurize Pakistan to take adequate measures to prevent such terrorist attacks on India from its soil. I hope you have understood the lecture. अगर कोई doubt है तो मुझे बताइए। Till then, stay home, stay safe. Thank you.